हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए क्लास 5th कंप्यूटर सब्जेक्ट से चैप्टर 6 के प्रैक्टिकल लेकर आई हूँ। हमारा चैप्टर का नाम है मोर ऑन पावर पॉइंट 2010। इस चैप्टर में बच्चों आप जानेंगे स्लाइड लेआउट फॉर ब्लैंक प्रेजेंटेशन, वर्किंग विद द टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्टिंग अ टेक्स्ट बॉक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप अ टेक्स्ट बॉक्स, डिलीटिंग अ टेक्स्ट बॉक्स, चेंज द टेक्स्ट डायरेक्शन, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, चेंजिंग अ फॉन्ट, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, इंसर्ट बुलेट एंड नंबरिंग, वर्किंग विद इमेज, इंसर्ट इमेज फ्रॉम फाइल, इंसर्ट क्लिप आर्ट इमेज, रीसाइज एन इमेज एंड मूव द इमेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम न्यू स्लाइड पर जाएंगे और न्यू स्लाइड पर जाने के बाद हम देखेंगे ब्लैंक स्लाइड हम कहाँ से लेते हैं। ब्लैंक स्लाइड के लिए हमें इतने सारे स्लाइड दिए गए हैं। ये टाइटल स्लाइड यहाँ से ले सकते हैं। टाइटल एंड कंटेंट हमें लिखना हो तो ये स्लाइड ले सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। टाइटल एंड टेक्स्ट, ये हमारा ब्लैंक स्लाइड है, नीचे ब्लैंक लिखा गया है। तो ब्लैंक स्लाइड हमने यहाँ पर ले लिया है। अब ब्लैंक स्लाइड में हम टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए, होम टैब पर हमारा ऑप्शन क्लिक है और यहाँ से जाकर हम ये आपके ड्राइंग टूल्स में से टेक्स्ट बॉक्स सबसे ऊपर आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने टेक्स्ट लिखा है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर्स हो गया। और कंप्यूटर्स के दो पार्ट्स होते हैं, मैंने ये भी लिख लिया है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो बच्चों आपने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं सॉरी, तो कंप्यूटर्स को हम लार्ज कर लेते हैं और अब इसके हम टेक्स्ट बॉक्स से ऑप्शन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बच्चे आपने जान लिया कि टेक्स्ट बॉक्स हम कहाँ से लेते हैं। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को जब इस प्रकार का एरो आ जाता है तो इस पर हम प्रेस करते हुए माउस की सहायता से कहीं पर भी हम ड्रैग कर सकते हैं। देखिए, कहीं पर भी ये आराम से ड्रैग हो सकता है। और अगर इसे हम मूव करना है तो ये ग्रीन वाली जो दिख रही है उस पर हमारा गोल राउंड आता है और इसको आप माउस से पकड़ कर मूव करवा सकते हैं। जिधर आपको मूव करवाना है उधर हमारा मूव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा मूव कर देते हैं, अगर ऐसे मूव करना है तो इस तरह का हो जाएगा। फिर हमारा ग्रीन पेज जो है माउस इस प्रकार का कर्सर आ जाए तो आप माउस की तरह पकड़ कर ये ग्रीन लाइट को कहीं भी मूव करवा सकते हैं। अब हम जानते हैं इस टेक्स्ट को हम डिलीट कैसे करेंगे। तो टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए हम इसे कर्सर से क्लिक करेंगे और जब इस प्रकार का ऑप्शन आ जाए तो हम कीबोर्ड में डिलीट की से डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा डिलीट हो गया। वापस हम टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट लेते हैं और यहाँ पर वापस हम लिखते हैं कंप्यूटर। अब इसमें हम जानेंगे टेक्स्ट बॉक्स का हम डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं। इसकी साइज हम और बढ़ा देते हैं, इसको माउस से ड्रैग करते हुए सेलेक्ट करेंगे बच्चों और यहाँ से हम साइज इसके बढ़ा देते हैं। अब इसके टेक्स्ट डायरेक्शन हम देखते हैं कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पैराग्राफ ऑप्शंस में टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन है जिसमें चार ऑप्शंस रहते हैं। हॉरिजेंटल आपका इस प्रकार का हो जाता है, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री करेंगे तो देखिए बच्चों इस प्रकार का हो जाएगा, वापस इसको हम रोटेट 270 डिग्री करेंगे तो इस प्रकार लिखाएगा, एंड फिर लास्ट हम एक्स्ट्रैक्ट लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार का लिखाएगा। इसको आप ड्रैग कर अपनी सीट पर ला सकते हैं एंड मोर ऑप्शन में जाके आप अपने अकॉर्डिंग डिग्री चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर इतना ही देखेंगे और दूसरे ऑप्शन पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले ये हमने लिख रखा है, वापस हम हॉरिजेंटल पर आ जाते हैं। अब इसमें हम सीखेंगे बच्चों फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का मतलब होता है हम अपने टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे डिजाइनिंग करते हैं, किस प्रकार इसको हम कलर में लिख सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ये सारे फॉर्मेटिंग हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये फॉन्ट ऑप्शन ग्रुप है,
इसमें जितने भी काम सीए होते हैं ये सारे फॉर्मेटिंग कहलाते हैं। टेक्स्ट को फॉर्मेट करना यानी इन सारे ऑप्शन से। अब एक एक ऑप्शन को हम ध्यान से देखेंगे। फॉर्मेट ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को माउस की सहायता से ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जाकर हम एरो से क्लिक करके इसकी हम फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे। जैसे ही आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हो ये एक एक करके इसमें आ जाता है। जैसे मान लो हमने ये फॉन्ट स्टाइल लिया, स्टाइल चेंज हो गई। अब हम इसे साइज देखते हैं। यहाँ से आप साइज ले सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करते हो देखिए एक एक पर हम क्लिक करते जा रहे हैं और साइज कम या ज़्यादा, इंक्रीज या डिक्रीज होती जा रही है। अब इसके बाद हम देखेंगे ये ऑप्शन आपका आ जाता है इंक्रीज फॉन्ट साइज। यहाँ से भी साइज को हम इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से हम डिक्रीज कर सकते हैं यानी सिंक करना। इसे हमें बोल्ड करना है तो यहाँ पे बी पे क्लिक करेंगे, देखिए ज़्यादा डार्क हो जाता है। और इटैलिक जब करते हैं तो ये लाइन थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। वापस हमें इस ऑप्शन को हटाना है तो वापस इसी ऑप्शन पर डबल क्लिक करेंगे तो वो हमारा हट जाएगा। जैसे ये येलो लाइट से हाइलाइटेड दिखता है इसका मतलब होता है बच्चों ये ऑप्शन हमारा अप्लाई किया हुआ है, ऑन है। जैसे मान लो हमने बी पर हटा दिया तो क्या हो गया, ये सैंपल लिखा गया। अब इसके बाद हम देखेंगे इसको चेंज केस, सेंटेंस केस में लिखना है इस प्रकार लिखाएगा लोअर केस में। अब कुछ फॉन्ट की स्टाइल यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। कुछ फॉन्ट स्टाइल में चेंज केस अप्लाई नहीं होता है। हम मान लो यहाँ से हमने एरियल ले लिया, अब हम चेंज केस लेंगे। सेंटेंस केस में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है बच्चों और लोअर केस में सारे लेटर स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। अपर केस में सारे कैपिटल हो जाते हैं एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर सेंटेंस में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर आगे लिख लेते हैं कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, CTRONIC इलेक्ट्रॉनिक, MACHIN इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब इस सेंटेंस को हम सेलेक्ट करते हैं देखिए, और चेंज केस में जाकर हम कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं तो क्या हो रहा है, सभी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो रहा है। एंड लास्ट में हम टॉगल करते हैं तो सभी वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल हो रहा है। ठीक है, तो जनरली जो है सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, सॉरी यहाँ पे IS होना चाहिए था। ठीक है, अब हम अलाइनमेंट टेक्स्ट देखेंगे। अब ये हमने फॉर्मेटिंग देख लिया, अब हम अलाइनमेंट टेक्स्ट, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं वो अलाइनमेंट के कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं और ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट डिफॉल्ट रहता है बच्चों कंप्यूटर में। अगर हम यहाँ पर करते हैं तो हमारा ये सेंटर पर आ जाता है और इधर जब हम करते हैं तो राइट में राइट से लिखाना शुरू हो जाता है एंड बीच वाला जस्टिफाई हो जाता है, यानी इधर से लिखा के दोनों तरफ से बुक में जैसे मैटर्स लिखे रहते हैं बच्चों उस प्रकार ये आपका जस्टिफाई ऑप्शन आ जाता है। वापस हम लेफ्ट अलाइनमेंट में ले लेते हैं डिफॉल्ट। अब हम देखेंगे बुलेट, यहाँ पर जो कि MS Word में आप लोग सीख चुके हो, यहाँ पर हम जाकर बुलेट पर क्लिक करेंगे। जितनी भी लाइन्स होती है उसमें हम बुलेट डाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर नंबरिंग करनी है तो हम किसी भी स्टाइल में यहाँ से नंबर ले सकते हैं। अब हमने बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शंस को देख चुके हैं, अब हम देखेंगे इमेज। अब इसे हम डिलीट कर देते हैं और इमेज देखते हैं इमेज हम कैसे लाएंगे। इमेज के साथ हम वर्क करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंप्यूटर्स, साइज हम थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा COMPUTER कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के बारे में लिखने के लिए हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर की इमेज भी होनी चाहिए, तो इसको हम क्या करते हैं बच्चों सेलेक्ट कर लेते हैं और बोल्ड भी कर लेते हैं। और अब हम इमेज लाना चाहते हैं, इसको चाहें तो हम बीच में भी डाल सकते हैं। मान लीजिए इसको हम सेंटर पर कर लेते हैं और नीचे हम कंप्यूटर की इमेज डालना चाहते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम होम के बाद इंसर्ट ऑप्शन पर आते हैं और इंसर्ट ऑप्शन पर आने के बाद ये हमारा ऑप्शन हो जाता है क्लिप आर्ट। इसे हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पर जाकर हम क्लिप आर्ट के जो साइड में राइट कॉर्नर पे जो बॉक्स है यहाँ पर हम टाइप करेंगे कंप्यूटर। यहाँ पे
पे जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड इमेज आपके सिस्टम में होगी वो हाईलाइट हो जाएगा। ये सारे इमेज हमारे कंप्यूटर्स के हैं, ये स्क्रॉल बार से आप और भी ऊपर नीचे करके कंप्यूटर से रिलेटेड इमेज देख सकते हैं। अब मान लीजिए हम इसको लाना चाहते हैं अपने सीट पर, तो इसको वापस ऐसे ड्रैग करते हुए हम ड्रैग कर देंगे, ये हमारा आ गया। अब इमेज आ चुका है। अब इमेज के साथ हम देखते हैं बच्चों कि हम क्या कर सकते हैं। अब इमेज को हम रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज करने के लिए जिधर से हमें साइज बड़ी करनी है उधर कॉर्नर से हम ड्रैग करेंगे। जब इस प्रकार का माउस आ जाए, ये एरो टाइप का, तब उसको माउस से पकड़कर हम ड्रैग करेंगे और उसे छोटी करनी है तो वापस हम किसी भी तरफ से चारों तरफ में से किसी भी तरफ माउस को रखेंगे और इस तरफ का इमेज आ, इस तरह के साइन आ जाए एरो की, तो इसको आप माउस से पुश करते हुए स्मॉल कर सकते हैं। और इसे हमें मूव करना है तो यहाँ पर हम माउस को क्लिक करके, जब देखिए इस तरह का आ रहा है, जब ये प्लस आ जाए, देखिए मैं हटा के आपको बता रही हूँ, जब ये एरो आए तो नहीं करना है, जब इस तरह का प्लस साइन आ जाए तब इस पर कर आप कहीं भी करवा सकते हैं। इस तरह का जब साइन आया तो हमने यहाँ कर दिया। अब ऐसे अगर आप ड्रैग करेंगे तो प्रॉपर ड्रैग नहीं होता, तो इस प्रकार का जब माउस से आ जाता है तो जहाँ भी आप चाहें इसी वे में इसको हम ड्रैग कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, एंड आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और इसी प्रकार एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।